नमस्कार रुआ, आज तक देख रहल बानी और हम रुआ साथे बानी आई नैना। आज रुआ खातिर खबर लेके आयल बानी, उहो भोजपुरी में। तो आई खबर के शुरुआत कईल जाए। फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के इजराइल पर हमला किला के बाद जेरूसलम लगातार हमास के आतंकियन से जवाबी कार्रवाई करत बा। एकरा साथे ही हमास हमला में 1300 से अधिका इजरायली लोग के मौत हो गईल बा, जबकि गाजा पर इजराइल के जवाबी कार्रवाई में 1500 से अधिका फिलिस्तीनी लोग के मौत हो गईल बा। एह बीच इजरायली सेना बीएफए के दिने 24 घंटा के भीतर उत्तरी गाजा के खाली करावे के आदेश दिहल्ले निर्देश दिहल गईल बा, ऐसन करे खातिर जहां करीब 11 लाख फिलिस्तीनी रहेले। समाचार एजेंसी एपी ई जानकारी संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता के हवाला से दिहले बा। इजराइल और हमास के बीच भयंकर लड़ाई जारी बा। एह सब के बीच हमास हमला के लेके इजराइल के बड़ गलती सामने आ गईल बा। असल में 2 साल पुरान एगो वीडियो वायरल हो रहल बा। दिसंबर 2022 के वीडियो में हमास के लड़ाकू प्रशिक्षण क्षेत्र में रॉकेट चलावत देखल जा रहल बाड़े, जवना में इजरायली नकली इमारत से नकली कैदी के पकड़ल गईल बा। हैरानी के बात ई बा कि ई ट्रेनिंग कैंप ओही समय बनल रहे अवूरी ई गाजा अवूरी इजरायल के बीच पैदल चले वाला रास्ता एरेज क्रॉसिंग के बहुत नजदीक रहे। शनिवार के भयल हमला के दौरान हमास के लड़ाकू यहां से घुस के इजरायली नागरिक पर हमला कैले। इजरायल यात्रा का दौरान एंटनी ब्लिंकन हमास के क्रूरता और इजरायली नागरिकन के दुख देखले। ब्लिंकन कहले कि वहां के बच्चा गोली से भरल बाड़े, जवानन के सिर काट दिहल गईल, लोग के गाड़ी अवूरी घर में जिंदा जरा दिहल गईल, ई त दर्दनाक बा। जबकि अमेरिकी विदेश सचिव जनता से कहले माफ करी। इजरायल के लेके दुनिया में नाराजगी के माहौल बा। इजरायल अवूरी हमास के जारी युद्ध के बीच चीन में इजरायली राजनयिक पर जानलेवा हमला भयल बा। एगो इजरायली राजनयिक पर चाकू से हमला भयल बा। इजरायल के विदेश मंत्रालय एह हमला के पुष्टि किले बा। मंत्रालय के ओर से बतावल गईल कि राजनयिक के अस्पताल में इलाज चलता अवूरी उनुकर हालत स्थिर बा। ऐसे पहले मिस्र में एगो पुलिस अधिकारी इजरायली पर्यटकन पर गोलीबारी कैले रहुवे। एह गोलीबारी में 2 इजरायली पर्यटक आ एगो मिस्र के नागरिक के मौत हो गई। 1 लाख लोग, 5,000 पुलिस बल, 40 देश के वरिष्ठ नेता अवूरी सबके आंख में लोर रहे। पेरिस के गली के इहे नजारा जहां राजा के महाराजा से लेके राजनेता तक के लोग के संगे देखल गई। पेरिस में भईल आतंकी हमला के विरोध में ई मार्च निकालल गईल रहे। मजेदार बात ई बा कि एह मार्च में फ्रांस के राष्ट्रपति आ कई देशन के राष्ट्रपति लोग भी भाग लेहल। एह में जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास आ जॉर्डन के राजा शामिल पाड़े। लोग मोमबत्ती जरा के श्रद्धांजलि दी। P20 सम्मेलन दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में शुरू हो गईल बा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आपन संबोधन देले। पीएम कहले कि भारत लोकतंत्र के जननी है, समय के साथ भारत के संसदीय प्रक्रिया में सुधार भईल बा। भारत G20 सम्मेलन के सफलतापूर्वक आयोजन केलस। पीएम मोदी कहले कि चुनाव में लोग के भागीदारी बढ़ल बा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद के खिलाफ भारत के प्रतिबद्धता दोहर वाले अवूरी कहले कि आतंकवाद के खिलाफ सख्तता जैसन जरूरी बा। P20 भा संसद दिस के संबोधित करत प्रधानमंत्री मोदी कहले कि भारत G20 शिखर सम्मेलन के मेजबानी कैले रहे अवूरी अब P20 के मेजबानी करता। P20 शिखर सम्मेलन भारत में हो रहल बा जवन लोकतंत्र के महतारी हा, आ दुनिया के सबसे बड़ लोकतंत्र भी हा। ई चर्चा के एगो महत्वपूर्ण जगह हा। पीएम मोदी कहले ए समय जब इजराइल अवूरी हमास के बीच युद्ध के माहौल बातव कहले कि भारत लोकतंत्र के महतारी हा, अभी शांति अवूरी भाईचारा के समय आ गईल बा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अवूरी उनुकर समर्थन करे वाला विधायक के खिलाफ अयोग्यता याचिका के फैसला में देरी करे के चलते सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नरवेकर के डांटले बा। शुक का दिने भईल सुनवाई का दौरान सुप्रीम कोर्ट कहलसी कि अगर सभापति एह प्रक्रिया के तेज ना कर पेहे त ऊ समय सीमा तय कर दी। एकरा खाती कोर्ट विधानसभा अध्यक्ष के 2 महीना के समय सीमा देले बिया। मामला के सुनवाई मंगलवार तक टाल दिहल गईल बा। सुप्रीम कोर्ट के एह फैसला के शिंदे समूह के झटका मानल जा रहल बा। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड के नेतृत्व में 3 जज के पीठ महत्वपूर्ण टिप्पणी करत कहलस कि हमनी के ए अदालत के गरिमा के कायम राखे के चिंता बा, हमनी के आदेश के पालन करे के होई।
तो ई भोजपुरी भाषा में आज के बड़का खबर रहे जवन सुर्खी बन गईल। हमनी के ई कंटेंट कैसन लागल कमेंट करके जरूर बताई। काल्ह फेरू हमनी के भोजपुरी भाषा में बड़ खबर लेके रुआ खातिर मौजूद रहम जा। फिर अपन ख्याल राखी जा।